हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशनल हेल्प एम येटर लिशा काम्बोज सो टीचिंग फील्ड में टीचर ट्रेनिस् बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाता है सो या आई एम हेयर विद यू ऑल टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम सो आज की वीडियो में मैं आपको लेसन प्लान का ले बताऊँगी एंड एक प्रिपेर लेसन प्लान भी आपको दिखाऊँगी जिससे आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी ओके सो वॉट द वीडियो टिल द एंड तभी आपको वीडियो समझ आएगी एंड बिफोर वी गेटिंग स्टार्ट आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग जो मैं आपको लेसन टन का लेआउट बताऊँगी समझाऊँगी वो कोई फिक्स लेआउट नहीं है क्योंकि ले आउट इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि वह आपको क्या दे रहे हैं तो इंस्टीट्यूट थोड़ा चेंज कर देते हैं लेआउट में चेंजिंग कर देते हैं कुछ कुछ चीज़ें एड ऑन कर देते हैं सो तो ये आपके इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करते हैं कि वो आपको क्या लेआउट दे रहे हैं सो तो मैं जो आपको लेआउट दिखाऊँगी वो एक जस्ट बेसिक आइडिया के लिए हैं ताकि आपको आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए सो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की सो लेसन प्लान में सबसे पहले हम लिखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन जनरल इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं नेम ऑफ स्कूल नेम ऑफ टीचर ट्रेनी क्लास सेक्शन सब्जेक्ट टॉपिक डे टू डे ड्यूरेशन ऑफ पीरियड पीरियड नंबर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ़ वी आई इंपेयर स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ हेयरिंग एपैंड स्टूडेंट और जिस क्लास में आप पढ़ाने वाले होते हो उस क्लास में अगर कोई और भी बच्चों की कैटेगरीज है तो आप वो भी आप यहाँ पर एडॉन्ट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर एम आर स्टूडेंट है आपकी क्लास में तो आप यहाँ पर लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ़ एम आर स्टूडेंट ओके सो जनरल इंट्रोडक्शन के बाद आपका आता है जनरल ऑब्जेक्टिव सो गाइज यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ हम लेसन प्लान क्लास में जाने से पहले बनाते हैं पहले से प्रिपेयर करते हैं हम क्लास में जाने से पहले सो so, हम जो भी लेसन प्लान में लिखते हैं वो हम फ्यूचर में लिखते हैं और कुछ कुछ चीज़ें हमें एज्यूम भी करनी पड़ती है ओके सो so, जनरल ऑब्जेक्टिव में हम जो टॉपिक क्लास में पढ़ाने वाले होते हैं उस टॉपिक का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लिखते हैं ओके देन जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा आता है बिहेवियर ऑब्जेक्टिव बिहेवियर ऑब्जेक्टिव में हम क्या लिखते हैं जो टॉपिक हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं वो टॉपिक बच्चे जब सीख जाएंगे तो सीखने के बाद उनके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा वो हम बिहेवियर ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं गॉट इट देन बिहेवियर ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लिखते हैं टॉपिक के जो हम क्लास में पढ़ाने वाले होते हैं देन हमारा आता है प्रीवियस लैंग्वेज पी लैंग्वेज में हम जो टॉपिक क्लास में पढ़ाने वाले होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे को लैंग्वेज में पहले से क्या पता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं तो so, ये चीज़ हमें एज्यूम करनी पड़ती है ओके okay. देन हम लिखते हैं स्पेसिफिक लैंग्वेज स्पेसिफिक लैंग्वेज में जो टॉपिक हमें पढ़ाना होता है उस टॉपिक को सीखने के बाद बच्चों को क्या लैंग्वेज में चीज़ें आ जाएंगी वो हम यहाँ पे लिखते हैं स्पेसिफिक लैंग्वेज में ओके देन स्पेसिफ़िक लैंग्वेज के बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज प्रीवियस नॉलेज में क्या लिखते हैं जो हम क्लास में पढ़ाने वाले होते हैं टॉपिक उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को क्या पहले से नॉलेज है वो हम यहाँ पे लिखते हैं सो so, ये भी हमें एज्यूम करनी पड़ती है ओके एंड स्पेसिफिक नॉलेज स्पेसिफिक नॉलेज में हम क्या लिखते हैं जो टॉपिक हम क्लास में पढ़ाने वाले होते हैं वो टॉपिक सीखने के बाद बच्चों को क्या नॉलेज आ जाएगी वो हम यहाँ पे लिखते हैं स्पेसिफ़िक नॉलेज में ओके सो स्पेसिफिक नॉलेज के बाद हमारा आता है टीचिंग मेथड आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो वो टॉपिक पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो वो आप यहाँ पे लिखते हो ओके देन टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हो अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए वो आप यहाँ पे लिखते हो फॉर एग्जांपल चार्ट यूज़ कर, कर रहे हो तो आप चार्ट लिखोगे फ्लैश कार्ड लिखो यूज़ करो तो फ्लैश कार्ड लिखोगे मॉडल यूज़ करो तो मॉडल लिखोगे जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो आप यहाँ पे लिखोगे ओके टीचिंग लर्निंग मटेरियल में देन आपका आता है क्लास रेडिनेस इसमें आप क्लास का एन्वायरमेंट किस तरीके से बना रहे हो सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों को ग्रीट करना क्लास का इन्वायरमेंट बनाना वो सब आप यहाँ पे लिखते हो बेसिकली पढ़ाने से पहले आप क्लास को कैसे सेट कर रहे हो वो आप क्लास रेडिनेस में लिखते हो देन आपका आता है इंट्रोडक्शन ओके सो इंट्रोडक्शन में हम कुछ इस तरीके से टेबल बनाते हैं सो so, यहाँ पे लिखते हैं हम सीरियल नंबर यहाँ पे लिखते हैं टीचर्स ट्रेनी एक्टिविटी यहाँ पर लिखते हैं हम स्टूडेंट एक्सपेक्टेड आंसर सो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में आप जिस भी तरीके से इंट्रोडक्शन दे रहे हो अपने टॉपिक का क्वेश्चन के थ्रू टी एल एम दिखा के जिस भी तरीके से आप टी एल एम दे रहे हो अपना लेसन प्लान के लिए वो आप यहाँ पे आप लिख सकते हो ओके okay? सो so, आगे मैं आपको एक प्रिपेयर्ड लेसन प्लान दिखाऊंगी उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन लिखते कैसे हैं सो so, ये लेआउट था फिलहाल इंट्रोडक्शन का ओके सो इंट्रोडक्शन के बाद हम लिखते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में हम अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट करते हैं क्लास में कि हम फाइनली ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ओके okay? या ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम एक अनाउंसमेंट करते हैं तो वो अनाउंसमेंट हम इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में लिखते हैं कि आप किस तरीके से अनाउंसमेंट कर रहे हो बोल रहे हो वो आप सेम यहाँ पर लिखोगे ओके okay? देन आप लिखते हैं प्रेजेंटेशन सो प्रेजेंटेशन के लिए भी हम इस तरीके से कुछ टेबल बनाते हैं एक ओके okay? सो so, प्रेजेंटेशन में हम हाँ लिखते हैं अपने टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो अपने टॉपिक को ओके okay, यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे टीचिंग पॉइंट यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग एक्टिविटी यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी यहाँ पर टीएलएम सो प्रेजेंटेशन में हम हाँ अपने टॉपिक की एक्सप्लेनेशन लिखते हैं ओके सो प्रेजेंटेशन आप पे डिपेंड करती है कि आपकी एक्सप्लेनेशन कितनी बड़ी है वन पेज टू पेज थ्री पेज सो आप पे डिपेंड करती है so, मैंने यहाँ पे फिलहाल आपको एक छोटा सा बना के दिखा दिया था ओके okay. एंड ये भी मैं आपके प्रिपेयर्ड लेसन प्लान में दिखाऊंगी दिखा। किस तरीके से प्रेजेंटेशन लिखते हैं ओके सो प्रेजेंटेशन के बाद हमारा आता है रिकैप्चुलेशन रिकैप्चुलेशन में हमने जो भी क्लास को पढ़ाया वो हम रिवाइज़ कराते हैं ये भी आपके ऊपर है आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिवाइज़ करा रहे हैं फ्लैश कार्ड के थ्रू रिवाइज़ करा रहे हैं क्वेश्चनिंग के थ्रू रिवाइज करा रहे हैं so, सो आप यहाँ पे उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से आप बच्चों को रिवाइज़ करा रहे हैं अपनी क्लास में देन रिकैपचुलेशन के बाद हम लिखते हैं इवेलुएशन यहाँ पे हमने टॉपिक को रिवाइज़ कराया है रिकेपचुलेशन में इवेलुएशन में हम बच्चों को इवेलुएट करते हैं कि आपने जो क्लास में पढ़ाया वो बच्चों को आया या नहीं आया तो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चनिंग के थ्रू एवेलुएट कर रहे हो या फिर टेलम दिखा के जिस भी तरीके से आप एवेलुएट कर रहे हो वो सेम आप यहाँ पर लिखोगे ओके देन इवेलुएशन के बाद आप फाइनली क्लास को होमवर्क देते हो तो होमवर्क आप क्या दे रहे हो वर्कशीट दे रहे हो जो भी आप होमवर्क दे रहे हो वो आप यहाँ पे लिखोगे देन रिमार्क्स यहाँ पर आपका रिमार्क्स आ जाएगा ओके okay? जो भी आपका लेसन प्लान चेक करेंगे वो हाँ पे remarks so, यहाँ पर आपको रिमार्क्स देंगे सो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान एंड होता है सो so, ये लेसन प्लान का ले आउट था जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया सो so, अब मैं आपको एक प्रिपेयर लेसन प्लान दिखाऊंगी जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में ओके सो हेयर इज अ प्रिपेयर लेसन प्लान फॉर यू ऑल सो येर हमारा लेसन प्लान लेसन प्लान सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन लिखते हैं एज वी डिस्कस्ड ओके दैन जनरल ऑब्जेक्टिव देन बिहेवियर ऑब्जेक्टिव देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देन प्रीवियस लैंग्वेज स्पेसिफिक लैंग्वेज ओके दैन प्रीवियस नॉलेज स्पेसिफिक नॉलेज टीचिंग मैथड जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो आप यहाँ पर लिखना टीचिंग लर्निंग मटीरियल जो भी आप मटीरियल यूज कर रहे हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे दैन क्लास रिडिनेस सो so गाइस आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे देन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन की टेबल ये रही आप वीडियो को पॉज करके रीड करना ओके okay, समझ में आ जाएगा आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे देन इंट्रोडक्शन के बाद हमारा आता है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देन प्रेजेंटेशन सो ये रही प्रेजेंटेशन की टेबल ओके okay. एंड ये हमारी प्रेजेंटेशन है तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन एंड हो रही है तो प्रेजेंटेशन के टेबल आपके एक्सप्लेनेशन में डिपेंड कर दें कि आपकी एक्सप्लेनेशन कितनी बड़ी है ओके देन आपका आता है रिकेपचुलेशन फिर आपका आता है इवेल्युएशन ओके देन होमवर्क एंड रिमार्क्स रिमार्क्स के बाद आपका लेसन प्लान एंड होता है ओके सो तो आई होप अब आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी मेरी इस वीडियो से कि लेसन तन किस तरीके पे पेयर किया जाता है सो या फॉर गेटिंग मॉर नॉलेजेबल वीडियोज़ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहेगी सो या थैंक यू सो मच